कोरोना के कहर से दुनिया भर में अब तक 27,359 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका भारत को 21 करोड़ रुपए की मदद करेगा। इटली, स्पेन और फ्रांस में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत गवा चुके हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से जुड़ी ताजा खबर के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। कोरोना वायरस ने अमेरिका को भी पूरी तरीके से जकड़ लिया है। अमेरिका में संक्रमण लोगों का आंकड़ा 1,04,000 तक पहुंच गया है। 24 घंटे में 402 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह अब तक इटली में सबसे ज्यादा 9,134 लोगों की जान गंवा चुके हैं। स्पेन में 5,138 और फ्रांस में 1,995 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 195 देश कोरोना की चपेट में हैं। इसमें अब तक 27,343 लोग जान गंवा चुके हैं। 1,33,097 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी तक न्यूज एजेंसी के मुताबिक जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उसमें अमेरिका ने कोरोना वायरस से प्रभावित 64 देशों में महामारी से निपटने के लिए $174 मिलियन देने का ऐलान किया है। इसके तहत भारत में $2.9 बिलियन करीब 21,07,00,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उधर इटली, स्पेन और फ्रांस में 16,287 लोग की जान गंवा चुके हैं। यह दुनिया भर में कुल हुई मौतों के लगभग 60% है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमण लोगों का आंकड़ा 1,04,000 तक पहुंच गया है। यह संख्या इटली और चीन से भी ज्यादा हो गई है। यहां पर 24 घंटे के अंदर 402 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर 18,691 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $2.2 ट्रिलियन के राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के कारण जूझ रहे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किया जाएगा। अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। देश में करीब 33,00,000 लोग ने खुद के बेरोजगार होने का रजिस्ट्रेशन करवाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और इसे और लोगों तक शेयर जरूर करें, और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर दोस्तों।